सर क्या था मामला, किस चीज़ का खुलासा? देखिए आप सभी जानते हैं कि थाना मुगलसराय में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिनका नाम गुड्डू पाठक है, उनके द्वारा फायरिंग करके वहाँ एक पान की दुकान जो चौरसिया जी अपनी पान की दुकान लगाते हैं वहाँ पर उनको फायरिंग की गई थी। उसमें लगातार उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। जब उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल लेके गए थे तो उनको आगे रेफर कर दिया गया था। वहाँ पर इलाज के बाद वो अपनी जान बच पाई थी उनकी। तत्काल पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, इनके दो सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ के जेल भेजा था। उसके बाद इनके ऊपर 25,000 का इनाम किया था। इनकी लगातार प्रॉपर्टी की जानकारी करते हुए सभी पे लगातार कार्रवाई करी जा रही थी। कल इनके ही जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा संपर्क किया गया और क्षमा प्रार्थी इनको कराते हुए कि ये अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो इनसे जब बात की गई इनके द्वारा आज सुबह जो है आज दिन के टाइम पर यहाँ पे थाना मुगलसराय के अंदर आत्मसमर्पण किया गया है। जो इनके द्वारा अपने हथियार यूज़ किया गया था वो भी अपने साथ लेके आए हैं, वो भी इन्होंने पुलिस के कब्ज़े में दिया है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए सभी चीज़ को हमने बरामद करके इनको तत्काल आज मजिस्ट्रेट के सामने हम उनको पेश करेंगे और रिमांड पे पुलिस इनको लेगी। पूरे घटनाक्रम में जो बताया गया इनके द्वारा कि ये अकेले ही थे और वहाँ पर कास नहीं होने के बाद इनके द्वारा फायरिंग की गई है, तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए इनका आपराधिक इतिहास को देखते हुए जो इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा आगे की जाएगी। फायरिंग करने का क्या कारण रहा? जो प्रमुख कारण अभी समझ आ रहा है कि कुछ तो लेन देन इनका पुराना चल रहा था पान के, जो कोविड के टाइम के ऊपर कुछ पान जो इनके द्वारा लिया गया था उसकी पेमेंट कुछ पेंडिंग चल रही थी, उसी को लेकर बार बार इनके बीच में तुतुमैमा उस पान विक्रेता से होती थी और वो उस दिन कुछ ज़्यादा हो गए जिसके कारण इनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और फायरिंग करके तत्काल ही वहाँ से निकले हैं और वहाँ से निकलते हुए अपनी गाड़ी को भी छोड़ दिया क्योंकि जो गाड़ी उसमें उपयोग हुई थी वो पुलिस ने उसी एक दो दिन के बाद बरामद भी कर ली थी और पुलिस ने गाड़ी पहले से पुलिस की बरामद की जाता है और जो अब इनका असला ही उन्होंने जो यूज़ किया था वो भी पुलिस के पास आज बरामद हो गया है। और इन सभी बिंदुओं को इकट्ठा करते हुए सभी को फर्द में डालते हुए जो भी गाड़ी और असला है सभी को उसमें डालते हुए उसके ऊपर जो उन्होंने सरकार के प्रॉपर्टी डीलर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई पैसे का बड़ा लेन देन हो प्रॉपर्टी का या जमीन का, ऐसी कोई ऐसी बात अब तक सामने नहीं आई है। जांच अभी भी चल रही है, लगातार जो चौरसिया की उनकी फैमिली से संपर्क भी किया जा रहा है, उनसे बात भी की जा रही है कि ऐसा कोई बड़ा लेन देन उनके द्वारा भी ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है कि कोई बड़ा पैसे की लेन देन था। पैसा मात्र 5,000 से 6,000 का जो बताया जा रहा है कि कोविड के टाइम के ऊपर वो पान से संबंधित ही था जो नहीं दिया गया था, उसी को लेकर इनके बीच में सूत्रों के हवाले से पता चला कि पान विक्रेता के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया और अपने सेल्फ डिफेंस के कारण इन्होंने हथियार पर गोली चला ली। देखिए ये जो चीज़ बताई जा रही है वो इनके द्वारा भी बताई जा रही है, पर कोई भी ऐसी CCTV फुटेज मौके पर वहाँ पर हमें ऐसी उपलब्ध नहीं हुई है। तब भी हम आसपास जितने चश्मदीद लोग थे, वहाँ बहुत सारे चश्मदीद थे, आप जैसे कि जानते जैसी घटना हुई मेरे द्वारा एडिशनल SP द्वारा CO द्वारा वहाँ तत्काल पहुँचा गया, वहाँ बहुत सारे लोग जो चश्मदीद थे जिन्होंने घटना होते हुए देखा, उस समय कोई भी ये बात नहीं रखी गई थी। तब भी हम इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी जांच के अंदर आएगा उसको हम नियमानुसार इसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक सर।